नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान की कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं मैं आप सभी के सामने जो देश भर के अंदर प्रचलित नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ड्राई डेयरी फार्म के बाद। राजस्थान में ऐसा उदाहरण आपको कम देखने को मिलेगा। ड्राई डेयरी फार्म का मतलब जहाँ दूध नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूध नाम की चीज़ का अर्थ है कि हम गायों पे काम कर रहे हैं, गायों के बछड़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर दूध नहीं है। तो अब इसको आप समझे कैसे। राजस्थान के अंदर कि हम भारत की भी बात करें तो गाय को हर आदमी पूछता है, गाय को धर्म से जोड़ते हैं, गाय को बिजनेस से जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसका बछड़ा पैदा होता है तो बछड़े को पैदा होने के बाद उसको रोड की तरफ उसको छोड़ दिया जाता है या जंगल में उसको छोड़ दिया जाता है। आज हम लोग रोड पर चलते हुए सड़क मार्ग पर देखते हैं कि सैकड़ों बार एक्सीडेंट होते हैं जिसके अंदर उसमें गायों के जो नर पशु हैं, जो नंदी सांड है, बैल हैं, वो घूमते रहते हैं और घूमने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होता है। ऐसे कई बार कई जगह समस्या, खेतों के अंदर आवारा पशु किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। वजह क्या है कि उन आवारा पशुओं को छोड़ने वाला कौन होता है? हम लोग ही हैं। तो हम लोगों ने इस केंद्र के ऊपर एक प्रयास किया है कि इनके निमित्त क्या ऐसा काम हो सकता है, क्या दूध के अलावा भी इनका कोई उपयोग है क्या? जी हाँ, हमारे केंद्र पर हमारी टीम ने इसी सिस्टम पर काम किया है कि आज जितने भी ये जितने नर पशु आपको दिख रहे हैं, केंद्र पर 25 से ज़्यादा नर पशु है। नर पशुओं को अलग अलग उद्देश्यों के ऊपर काम किया जा रहा है। पहला वो ये कि उद्देश्य हमारे यहाँ 4-5 जोड़ी हमने बैलों की तैयार की है। केंद्र के ऊपर जितना भी परिवहन का कार्य होता है वो सब बैलों से होता है। चारा लाना, गोबर डालना, खेत का अपशिष्ट गड्ढे तक लेके आना और सब्जियां लेके जाना, ये सभी कार्य, बीज लाना, नर्सरी से पौधे लेके जाना, वहाँ से जीवामृत को लेके आना, ये सभी कार्य हमारे यहाँ बैलगाड़ी से संचालित होता है। दो फायदे हो गए इसके। पहले तो हमारे यहाँ डीजल नहीं चल रहा है, डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, जब भी ऐसा कोई काम हो तो ट्रैक्टर ड्राइवर को बुलाना पड़ता है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ट्रैक्टर आएगा, करेगा, तब जाके काम होगा, नहीं तो बैलगाड़ी छोटी सी जगह के ऊपर ये आसानी से सामान पहुँचा के आ जाती है। तो आज इन नर पशुओं को हम खिला पिला के, अच्छा बांटा देके, दाना देके बैलों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, इनका बंध्याकरण करके, इनका प्रशिक्षण देके। और छोटा सा उदाहरण के रूप में हम बैलगाड़ी तैयार करते हैं, बैलगाड़ी यहाँ पर काम आती है और बड़ी मनमोहक लगती है। जब केंद्र पर इसकी घंटियाँ बंधी हुई और बैलगाड़ी चलती है तो एक जीवंत दृश्य हमारे यहाँ निर्मित होता है। आप केंद्र के मार्फत अन्य जगह पर भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहाँ पर भी भेजने के लिए बैलगाड़ी और बैल यहाँ पर तैयार हैं, इनको हम भेज रहे हैं। तो इसी तरह अलग अलग इनको बैलों के रूप में परिवर्तित करना, बैलगाड़ी के अलावा हमारे यहाँ पर जैसे खेत का कोना है वहाँ ट्रैक्टर पहुँचना मुश्किल है, तो सिंगल बैल से किस तरह बेड बन सकती है, किस तरह कचरा निकाला जा सकता है, दो बैलों से किस तरह खेती की जुताई हो सकती है, बीजों की बुआई हो सकती है, ये समस्त कार्य हम लोग इन बैलों से कर रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण आपके यहाँ देखने को, आप यहाँ आराम से आकर देख सकते हैं। अब दूसरी बात, हम यहाँ बैलों पर आगामी मेरी हम लोगों की परियोजना है कि हम लोग बैलों से गाड़ी जिसे तेल निकला जा सकता है, लो आरपीएम के अंदर इसकी आटा चक्की लगाना, इसके अलावा बैलों से ही हम फंवारा लगाने वाली मशीन भी तैयार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, बैलों से हमारा फंवारा चलेगा जिससे अंदर पौंड के अंदर तालाब में जितना पानी है उसे की बैलों से हमारी मशीन चलेगी और खेतों के अंदर आसानी से सिंचाई हो जाएगी। तो इसी तरह मसाला चक्की, अनन्य कार्य हम बैलों के माध्यम से करवा रहे हैं, जिसके अंदर कोई लाइट की जरूरत नहीं, सोलर की जरूरत नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस ऊर्जा का निर्माण हम बैलों की शक्ति से कर सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा उदाहरण कि बैलों को शारीरिक रूप से सहयोग लेकर, बैलों का शारीरिक सहयोग लेकर हम लोग इनकी अलग अलग उद्यमों की रचना करके इनके सहयोग से हम आय का सृजन कर सकते हैं और इनकी महत्व को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि और क्या उपयोग हो सकता है। तो हमारे यहाँ बैलों के गोबर से खाद बन रही है। 25 पशुओं से जो हमें खाद मिल रही है वो 15 बीघा के अंदर सब्जियों की खेती हो चाहे फूलों की खेती हो, खाद खरीदने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। जितना उसको खिलाया उतना हमारे को खाद मिल गया, तो हमारे को उसका कोई खर्चा नहीं लगा। दूसरी बात, जब हमने खर्चा भी नहीं मिला और खर्चा लगा नहीं और इससे ये फायदा हुआ, और दूसरा ये कि बैलों से हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, खेतों के अंदर हल चला रहे हैं, आने वाले टाइम में हम फंवारे और चक्की और आटा चक्की मसाला चक्की लगा रहे हैं, तो ये बैल हमारे को फायदा नहीं देंगे तो क्या देंगे? तो किसानों से हमारा यही आग्रह होता है। दूसरी बात, किसानों से आग्रह तो ये रहता है कि हम ये करें,
इस बार हमने गायों के अंदर जितने भी नर पशु हैं, गायों के जितने भी बछड़े हैं, इनके गोबर से हमने दीपक बनाए। अब इन दीपकों को 5 रुपये का एक दीपक बेचा, एक गाय के एक जो बैल है उसके 1 किलो गोबर से यदि हमारे को 20 दीपक भी बने तो इस एक बैल के 1 किलो गोबर से हमारे को 100 रुपये मिल रहे हैं। प्रतिदिन 6 किलो एक बैल हमारे को गोबर देता है, 600 रुपये का मुनाफा वो एक किसान को दे देता है। जो रोड पर घूम रहे हैं, जो किसानों के खेतों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, वही बैल उसके गोबर से ही, उसकी केवल गोबर से ही वो 500-600 रुपये देता है। इसके अलावा वो खेत के अंदर जुताई का काम कर रहा, वो खेत के अंदर गाड़ी का काम कर रहा, वो खेत से मसाला निकाल रहा है, इस तरह परिवहन का कार्य भी वो कर रहा है। ये बात छोटा सा उदाहरण, यहाँ पर जीवंत उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गोबर से धूप बत्ती भी बन रही है, गौमूत्र से दवाइयाँ बन रही है। ये अनन्य प्रयास हमारे केंद्र पर जीवंत रूप से आप देख सकते हैं। तो ये थी बैलों से जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उनकी बात। तो जहाँ मैं बात कर रहा था कि ड्राई डेयरी फार्म, हर जगह जहाँ पे भी पशुपालन की बात आती है तो डेयरी उद्योग को साथ में लेके चलते हैं। हम कहीं भी डेयरी उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं। डेयरी उद्योग अपने आप में एक लाभदायक विषय है, मैं उसकी कहीं वो नहीं कर रहा हूँ कि इसको हमें नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ में जहाँ गाय को धर्म से जोड़ा जा रहा है, उसको उद्यम से जोड़ा जा रहा है, बिजनेस से जोड़ा जा रहा है, तो बछड़े को भी वापस बिजनेस से जोड़ना अति आवश्यक है। बछड़े को रोड पर छोड़ना उतना ही धर्म के खिलाफ है जितना गाय को उस गाय के साथ कुछ करने से अपराध होता है। हम यही कहते हैं कि आप बछड़े को भी उतना ही जोड़ो, बछड़े से भी आपको कमाई मिलेगी, जितने भी गाय के जो नर पशु हैं उनसे भी आप उतना ही सहयोग लो जितना आप गाय से लेते हैं। गाय भी अपना आप में एक उत्तम जीव है, वैसे ही बछड़ा भी अपना आप में उत्तम जीव है। इनका सहयोग लेके अपने खेत के ऊपर ही कई तरह के उद्यम की रचना कर सकते हैं। इसका जीवंत उदाहरण देखने के लिए आप हमारे केंद्र पर पधारें और हमारे से जो सहयोग आपसे चाहिए वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।